पब्लिक कहाँ आ जा रही है। हमें हैंड ओवर मिल चुका है, हम इसका भी यूज करने वाले क्या है? पहली वाली में क्या दिक्कत लगी? पावर खत्म हो जाए। इजी तो मतलब ठीक है, बच्चे साथ ट्रैवल हो सकता है, बट साथ में ब्लॉगिंग इम्पॉसिबल है। तो सो चीज़ें मैं करने जा रही हूँ। तो आज पार्ट टू में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसे जाने वाली है और कैसे नहीं। तो लेट्स सी, बनी हुई जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है आज। सो फाइनली हमारा नेक्स्ट होल्ट आ चुका है बल्हारशाह। यहाँ पे हम होल्ट होने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है ये हमारी ट्रेन, और यहाँ पे होने वाला है 2 मिनट का होल्ट। तो उतरते हैं और लेते हैं हम कुछ खाने पीने का, स्टार्ट कर लिए वेट कुछ खाने का। सोना जल्दी आ, स्टेशन का कोड है बीपी क्यू और मॉर्निंग के। और ये है जो ट्रेन है हमारी बिफोर आगे, क्योंकि 8 बजे का इसका टाइमिंग है। 8 बजे का टाइमिंग सोना जी को देखो, ये हमारी बल्हारशाह से ट्रेन जो है वो चल पड़ी है, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होल्ड था यहाँ पे, क्योंकि बिफोर आई थी तो इतना मेहनत इसने होल्ड करिए। देखते देखते 8:06 हो चुके हैं यहाँ पे। सब बाय बाय बल्हारशाह। सामने इंदौर कौरियर खड़ी हुई है हमारे सामने ट्रेन। बाय बाय। सो बहुत अमेजिंग सी जर्नी जाने वाली है हमारी, और आगे देख सकते हो ब्यूटीफुल सा कर्व दिख रहा है हमारी ट्रेन का। बल्हारशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है ना, भारतीय भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक जंक्शन रेल स्टेशन है। ये बल्हारपुर शहर और चंद्रपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। बल्हारशाह जंक्शन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का एक हिस्सा है। यह है नागपुर, दिल्ली, चेन्नई लाइन में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है। यहाँ लाडो कर रही है हालो, तब इसका मूड नहीं था, अब हाय कर रही। गुड मॉर्निंग बोलो, बोलो गाइस गुड मॉर्निंग बोलो। मैं बनाना खा रही हूँ, आप खाओगे? हमने ये बनाना जो है यहाँ से लिए हैं 60 के 12। अब मुझे बल्हारशाह में पता नहीं, फेमस है कि हर जगह केले ही केले बिक रहे थे यहाँ पे, हर स्टॉल ट्रेन के अंदर एंड बाहर। बनाना 50 के 10 60 के 12। शोना कैसे? मेरी तो आईज नहीं खुल रही है, काफ़ी लेट सोई थी रात को, और बीच में नागपुर में मेरी आईज ओपन हो गई थी, बट उठने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बैक पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। तो कुछ हमारे को पैसेंजर थे वो, ओह सॉरी सॉरी, हाँ दिखाओ, सो देख लो गाइस, इसकी आईज ओपन हो चुकी, मेरी ओपन नहीं हो रही है। सो कुछ को पैसेंजर थे वो नागपुर थे, 5:30 बजे तो मेरी आईज ओपन हो गई थी, बट मेरी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के कुछ नागपुर स्टेशन का कैप्चर कर सकूँ। बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था, और मेरा रात का गला भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, कि वॉइस भी काफ़ी मेरी चेंज हो गई है। सो मम्मा को पेन होती है, और ये देखिए बाहर ब्यूटीफुल सा व्यू है। तो अभी कितना प्यारा सा व्यू देखने के लिए मिल रहा है, बल्हारशाह की ये स्टेशन के बाद का व्यू है, इतना खूबसूरत सा। वो देखो गंगा, गंगा वो देखो, इतना प्यारा जी, अच्छा है वो। बोलो गाइस आप सब मुझसे कब मिलोगे? मुझसे कब मिलोगे बताना?
हाँ बोलो, आप सब मुझे प्यार क्यों नहीं दे रहे हो ज्यादा ज्यादा? आप मुझे प्यार क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो ज्यादा ज्यादा? तो पल्हा शाह जो रेलवे स्टेशन है ना, 1891 में इसकी ओपनिंग हुई थी और उसका इलेक्ट्रीफाइड हो गया था 1970 से लेके 1971 के बीच में। तो बहुत ज़्यादा इसी से आइडिया लगा ले, 18th की सेंचुरी में है, तो बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है ये हमारा। कोच की कुछ हालत इस तरीके से दिखाई दे रही, काफ़ी को पैसेंजर जो उतर गए हैं, काफ़ी सीट्स यहाँ पर खाली हो गई है। सो यहाँ पर देख सकते हैं, डे टू में आपको यहाँ का लुक दिखा रही हूँ, इंटीरियर दिखा रही हूँ यहाँ का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रात को दिखाया था, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम है, चार्जिंग सॉकेट है, वहाँ पे वाटर होल्डर है, और ये हमारी सीट कुछ इस तरीके से है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लग रही है, स्पेस फ्री लग रही है, कोचेस की मात्रा बढ़ गई है आपको पता ही होगा, बट इन चीज़ों से एक फेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। सेम प्राइस है जो करीब का पहले था, वही ICF टाइम में था, वही LHP कोचेस के टाइम पर भी सेम फेयर है। इसका फेयर भी मैंने आपको कल भी लास्ट वीडियो में बताया था, पार्ट वन में, इसका फेयर है इसका 1500 रुपीज़। तो ये फुली AC है हमारी, सामने से ट्रेन जा रही है, इतने में आज की मालगाड़ी है एक्सप्रेस ट्रेन, तो सामने से जाती हुई ट्रेन क्रॉस हुई है, मुझे नहीं पता चला कौन सी। तो गाइस ट्रेन नहीं है, तो प्लीज इसको साफ रखने की जिम्मेदारी है आप ही और हमारी है। तो प्लीज ट्रेन को गंदा ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, रोड को क्लीन रखिए, अपनी सीट को क्लीन रखिए, और सहयोग दें हमारे इंडियन रेलवे को। सो प्लीज़ हाई मेंटेन करके रखिए ट्रेन को, जो नई है, नई होने के बाद पुरानी भी होगी, तो इसको मेंटेन करके रखिए प्लीज़। वॉशरूम्स को क्लीन करें, और फ्लैश ऑप्शंस आपको वॉशरूम में दिए गए हैं, ऑप्शंस है। आप इन चीज़ों के अलावा आपको यहाँ पे हैंड टॉवल की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएगी, तो आप चाहे तो यहाँ से हैंड टॉवल भी मांग सकते हैं, तो आपको उसकी फैसिलिटीज भी एक ऑप्शनली गरीब रथ में मिल रही है। ट्रेन जा रही है, बट इतनी दूर से मुझे दिख नहीं रही कौन से जा रही है वो। तो हम ले रहे हैंड टॉवल, तो भैया दे रहे हैं, और हमारी अच्छी खासी बहुत दोस्ती हो चुकी है गुड़िया की, हमें हैंड टॉवल मिल चुका है, हम इसका भी यूज़ करने वाले हैं। सो ये देखिए काफ़ी क्लीन टॉवल्स होते हैं, तो 2 टॉवल्स मैंने मंगवाए, एक अपने लिए एक लाडो के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हाइजीन मिलेंगे आपको, वॉशेबल मिलेंगे, तो बहुत क्लीन होती, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो दिखिए आपको कितने क्लीन है, हम ये टॉवल जो है यूज़ करने चले, हम यहाँ से इसका क्लीन कर लेते हैं। बेनिफिशियल्स की आपको ट्रैवल में एक सुविधा अच्छी से मिल रही है आपको, तो इसको आप इसलिए यूज़ कर सकते हैं, आपको ट्रैवल में दिक्कत नहीं होने वाली, बेडशीट आपको मिल रही है, ब्लैंकेट मिल रहा है, साथ में हैंड टॉवल की भी फैसिलिटीज आपको मिल रही है। तो क्या चाहोगे, गरीब रथ कहने को गरीब रथ है, बस फैसिलिटीज सुपर। सामने से जाती है एक और ट्रेन, इसका एक और स्टेशन, सामने एक और ट्रेन है हमारे गोरखपुर यशवंतपुर। इस ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखने में लगी थी, भैया क्या हाल होगा, क्या हो रहा है, इतनी पब्लिक कहाँ आ जा रही है। तो ये ट्रेन जो है गोरखपुर टू यशवंतपुर तक की ट्रेन है ये। इसकी एक एक्टिविटी देखना आप प्लीज, अमीरों का खाना खा के खाइए। और ये हम नॉर्मल लोगों का खाना खाना। सो टैलेंटेड ना। तो इसमें देख सकते हैं एक और लोगो लगा हुआ है, WAP 7। गारों का अंबर सा लगता है मेरा सामे, इतना बिजी रूट है, बैक टू बैक यहाँ से ट्रेन ही क्रॉस होती है। ब्यूटीफुल सा व्यू देखिए गाइस आप, है ना खूबसूरत। ट्रेन में क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, आप देख सकते हैं टाइम। तो भाई है बॉडी, अभी सुसु का बॉडी, मम्मा इसको लेके जा रही है, क्या आई है बॉडी, चल चलो
स्किप स्टेशन जमीकोंडा, ये हमारी भारतीय रेल। फाइनली आ चुका है वंगल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है WL। ये मैं चलते चलते कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ना मुझे बीच में आ गई थी नींद, तो मैं जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा कि वंगल रेलवे स्टेशन आ चुका है, और मैं आप ये जैसे चल पड़ी है वैसे मैं यहाँ पे कवर करने आ गई हूँ। तो देख सकते हैं 11:27 हो रहे हैं, और इसका टाइमिंग था यहाँ पे आने का 11:13, और अब इतना लेट हो चुका है, इसका मतलब थोड़ा सा डिले चल रही है 10-15 मिनट की देरी से। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आइए। बाय बाय वंगल। यहाँ पे हर जगह ना फ्रेंड्स मिल जाते हैं, अभी यहाँ पे फन कर रही है बैठ के। यहाँ पे मैं भैया है ना, ये सब ना इसको खिला रहे हैं और उसको मजे कर रहे हैं। कैसा लग रहा है गरीब रथ ये चीज हो, कि अब कैसा लग रहा है? यूं गरीब रथ अब बढ़िया लग रहा है, पहले वाली में कैसा लग रहा था? जो से बेटर लग रही है। आपको कैसी लग रही है भैया? अच्छी लग रही है। हाँ, पहली वाली में क्या दिक्कत लगी? मंडरा रही है। निकल निकल बाहर निकल जल्दी, कहाँ घूम रही है? ट्रेन में ये सब भी देख सकते हैं, हथौड़ी का इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई आपातकालीन स्थिति आदि। और सामने से क्रॉस होती है तिरुपति आदिलाबाद एक्सप्रेस ट्रेन, और ये हमारी ब्यूटीफुल सा यू टर्न लेती हुई है हमारी ट्रेन। क्या सुपर्ब कर्व है ना। और यहाँ पे लॉट्स ऑफ पब्लिक जो उतरने वाली, काफी क्राउड यहाँ पे उतरेगा। वेलकम टू आंध्र प्रदेश। और तो मैं यहाँ पे गुड़िया को लेके 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए टाइमिंग से आते हुए ये पूरे 46 मिनट लेंगे। यानी इसका 2:30 पे इसका टाइम था यहाँ पहुँचने का, बट 46 मिनट ये लेट पहुँचे हैं यहाँ पर।
तो गाइस हमने मंगवाया ऑनलाइन फूड लाडोर अपने लिए, और ये हमने मंगवा लिया है, और ये अभी आपको ओपन करके बाद में दिखाती हूँ। इतने पहले मैं स्टेशन का कुछ दिखा देती हूँ आपको, विजयवाड़ा का, और फिर आपको फूड का रिव्यू दिखाती हूँ कैसा होने वाला है हमारा फूड। विजयवाड़ा जंक्शन जो स्टेशन है उसका कोड है BZA, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित एक भारतीय रेलवे स्टेशन है ये, जिसे विजयवाड़ा रेलवे मंडल के अंतर्गत एक गैर उपनगरीय GAT-2 NSGK-2 के स्टेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया है इसको। प्लेटफॉर्म की संख्या के बारे में बात करूँ स्टेशन के, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या है 10 और यहाँ पे ट्रैक है 16। तो ये है जो है प्रतिदिन 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सुविधा प्रदान करता है, और साथ के साथ यहाँ पे 300 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से क्रॉस होती हैं और रुकती भी हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे इंडियन रेलवे में इस स्टेशन को महत्वपूर्ण भूमिका दी जा रही है हमारे भारतीय रेलवे में। स्टेशन काफ़ी बड़ा है और प्लेटफॉर्म की संख्या से ही पता चल गया होगा कि 10 है तो स्टेशन बड़ा होना बनता है। और आपको बता दूं कि साथ के साथ यह है हावड़ा चेन्नई और नई दिल्ली चेन्नई मुख्य रेल मार्ग में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, और अब इस रेलवे स्टेशन को भारत का मुख्य रेलवे स्टेशन बना दिया गया है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा रेस्क नहीं ले रही हूँ क्योंकि लाडो अंदर बैठी है और स्टेशन का होल्ड विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को एक पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आंध्र प्रदेश और भारत सबसे अधिक देखे जाने वाले और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इंद्र केलाद्री पहाड़ी पर स्थित हिंदू देवी दुर्गा का कनक दुर्गा मंदिर यहाँ पर बड़ा फेमस माना जाता है। तो कभी आए तो आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा। और ये बताना भूल गई कि हमारी प्लेटफॉर्म 4 हमारी ट्रेन आई थी, बाकी जो भी है ऑल ओवर इसके बारे में बहुत इसकी प्रमुखता मानी जाती है रेलवे स्टेशन की। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे विजयवाड़ा का बोर्ड। बाय बाय विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा की एक खासियत और है कि ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। यह शहर राजसी किलाद्री पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में अपनी ऐतिहासिक गाथा प्रकट करता है, जिसके शीर्ष पर प्रतिष्ठित कनक दुर्गा मंदिर है। दावली गुफाओं में प्राचीनता की गहराई वानशेष करें, जहाँ जटिल नाकाशी और बहुत पुरानी सभी की कहानी आपको सुनने के लिए मिलती है, तो वो आप यही मिलती है। आज कुछ आपको विजयवाड़ा में एक्सप्लोर करने के लिए मिले हैं ना गाइस, मतलब इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ के बारे में, तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आपको विजयवाड़ा में मिल सकता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए और विजिट कीजिएगा विजयवाड़ा। भैया भी यहाँ पे रहते हैं आंध्र प्रदेश में, तो अब तो मैं आपको पहले बता पाती हूँ तो शायद उनसे मैं मिल पाती हूँ। तो रियली सॉरी भैया, आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, आपसे मैं नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो आपसे जरूर मिलती हूँ। हाँ बेटा अभी आ लो मैं। सो गाइस अभी तक 70-46 किलोमीटर हमने तय किया है अभी तक का, हजरत निजामुद्दीन से लेकर विजयवाड़ा तक का 71-76 किलोमीटर हमारा बाकी है, हम कवर कर चुके हैं। तो बस स्मॉल जर्नी हमारी बाकी बच रही है। ये आप देख सकते व्यू कृष्णा नदी का ना? तो विजयवाड़ा जो है इसी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, बहुत खूबसूरत सा व्यू आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। खाना है वो बुक किया है और हम अपना फूड जो है निकालने जा रहे हैं। गुड, तो कुछ इस तरीके की पैकिंग का हमारा फूड आया है, ये देख आपको दिखने के लिए मिलेगा। हमने जैसे खाना मंगवाया, एक्स्ट्रा चपाती मंगवाई थी ये, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओपन करते जल्दी से और देखते खाने का रिव्यू कैसा होने वाला है। ओपन करने के बाद ये हमारा खाना देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राई आलू की सब्जी है जीरे वाली, एंड ये दाल है, ठीक है पतली लग रही है बट ठीक लग रही है, बाकी टेस्ट से पता चलेगा। और यहाँ पे ये पनीर की सब्जी है और अचार है। तो हमारा फूड कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिल रहा है। मिशोना टेस्ट करो और बताओ कैसा है। मिशोना टेस्ट कर रही है यहाँ पे। कैसा है शोना? यम्मी, एक नंबर। अच्छा ये तो बताओ क्या क्या है यहाँ पे। कड़ी। हाँ कड़ी की सब्जी। हाँ ये
अचार, ये मिर्ची, ओके, और सैलेड, सैलेड चाहिए, ओके, और ये ओनियन, हाँ, सब कुछ चाहिए, और ये नहीं बताया लाश। अब यहाँ सब्जी का टेस्ट बताने वाली है, आलू की सब्जी और रोटियाँ कुछ इस तरीके की आई है, पतली पतली। मैं बताती हूँ कैसी है। बच्चे मन के सच्चे, तो बेस्ट व्यू जानना हो तो बच्चों से जानो। भाई बच्चे खाने के टाइम पे ऐसे क्यों करते, क्या हो गया, छो ना प्लीज, अभी खाना ठंडा हो जाएगा यार, कंट्रोल कर ले, कंट्रोल कर ले। नहीं अकेले नहीं जाना, अकेले क्या जाएगी भाई, खाना खाना स्टार्ट किया ना। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, जब माँ खाना खाने बैठती है तो उनको सोटी देख रहे हो इसको। गाइस ऐसे व्यू के साथ खाना खाना हो अमेजिंग ही बैठेगा। 10 of 7 7 मिलने वाली है खाने को, रेटिंग उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, अच्छा है, नॉट बैड। गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वेदर देखो बाहर का, मतलब इतना 3 बजे इतना प्यारा हो रखा है ना, अमेजिंग सा व्यू एंड अमेजिंग सा वेदर, ऊपर से बारिश। से जाती है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन, ये जो बड़ा मेमू एक्सप्रेस ट्रेन, सामने से जाती है चेन्नई हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन। चेन्नई सेंट्रल में आपका स्वागत है। सो हे गाइस, चुकी है जर्नी कंप्लीट, टोटल हमने कर लिया है 2174 मतलब 2174 किलोमीटर तक, और फाइनली हमारी जर्नी हुई कंप्लीट, गणपति बप्पा मोरिया की सही सलामत से हमें यहाँ पे पहुँचा दिया है। ट्रैवल किया इस प्यारी सी फैमिली ने तो इनके साथ हमारा पूरा रास्ता दिल्ली से लेके चेन्नई तक का कट गया है, तो काफी मजा आया, काफी इंजॉयमेंट किया। फिर मिलेंगे इनसे हम दिल्ली में। सो गाइस चेन्नई सेंट्रल के बारे में बता दूं, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहां से सभी बड़े नगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोयम्बतूर एंड त्रिवंद्रमपुरम के इत्यादि के लिए रेल सुविधाएं आपको जो है उपलब्ध हो जाती है यहां से, और काफ़ी बड़े स्केल पे ये रेलवे स्टेशन है हमारा। और चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन से प्राय तमिलनाडु के नगरों की रेल सुविधाएं भी उपलब्ध होती है यहाँ से, कुछ निकटवर्ती रांची के नगरों की भी रेलगाड़ियाँ आपको यहाँ से मिल सकती है। तो इतनी सारी आपको रेल नेटवर्किंग आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, मतलब सारे बड़े शहरों से नेटवर्किंग इसका बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से है, तो आपको किसी भी चीज़ की यहाँ से चेन्नई सेंट्रल से दिक्कत नहीं होने वाली, और काफ़ी ये मेरा अमेजिंग सी जर्नी रही है। तो गाइस आप भी बताइएगा कि कैसे रही है, और उसका स्टेशन कोड है MAS, और जो हमारी टाइमिंग से 5 मिनट डिले कह सकते हो आई है हमारी ट्रेन, यहाँ इसका टाइमिंग था 9 बजे का पहुँचने का, 8:55 का, सो एग्जैक्टली ये 5 मिनट हमारी जो है कि लेट हुई है। आपको ये और बता दूँ चेन्नई सेंट्रल का मीनिंग क्या होता है, अगर किसी स्टेशन के आखिरी में सेंट्रल लिखा हो तो इसका मतलब है कि उस शहर में एक से ज़्यादा रेलवे स्टेशन है, जिस स्टेशन में सेंटर लिखा होता है वह उस शहर का सबसे पुराना और वह स्टेशनों में से एक होता है। लाइक आप लगा सकते हो कानपुर सेंट्रल हो गया हमारा, और उसके बाद आप देख सकते हो मुंबई सेंट्रल भी है हमारा, और चेन्नई सेंट्रल हो गया है, इस तरह के फॉर एग्जांपल ये आपको उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके का आपको सेंट्रल ये चेन्नई का दिएगा। सो गाइज आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत में रहने के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है चेन्नई, चिकित्सा पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है, और इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी भी कहा जाता है। तो गाइस और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे एक मरीना बीच है जो हमारे भारत का सबसे बड़ा मरीना बीच बोला जाता है, और सबसे खूबसूरत और बड़ा भारत का बीच जो है वह है यहाँ का मरीना बीच, तो हुआ तो एक्सप्लोर जरूर करवाऊँगी आपको वो भी। तो मिलते हैं आप जल्दी से, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर गाइस वीडियो पसंद आ गया तो जल्दी से जाइए लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और आपको पता ही इस टाइम मैंने सोलो ट्रैवल किया है, पूरा 2 डेज से मैं सोलो ट्रैवल करती हुई आई हूँ। तो बच्चे के साथ ट्रैवल करना, ट्रैवल ठीक है, ट्रैवल तक समझ में आता है, बट ब्लॉगिंग करना इज़ नॉट ईजी। सो गाइज सपोर्ट मी एंड अप्रिशिएट कीजिएगा प्लीज़, इससे मुझे हिम्मत मिलेगी, आप सबका प्यार। लव यू ऑल।